हमने अपना काम शुरू कर दिया है। ये यहाँ हमने सीमेंट लगाना है, ये इसका साइज है। तो अभी हम कह रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, कभी धूप आ रही है, कभी छांव आ रही है, तो हम कहते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको ना रख देते हैं, फिर शाम को हम बनाएंगे। तो दोस्तों आप बस दुआ कीजिए कि हमारा डक का जो सा ये स्विमिंग पूल है वो अच्छा बने। और हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं जो हम डक्स के जो लेडीज आए हुए हैं तो उनके लिए हम बना रहे हैं स्विमिंग पूल, क्योंकि इसमें नहा नहीं सकते अच्छी तरीके से, तो इसमें पानी भी थोड़ा आता है। माशाल्लाह बड़े भी होना है इन्होंने, तो हो सकता है एक दो दिन में और भी डक्स के जो लेडीज आ जाएँ। तो हमने सोचा कि एक दफ़ा जो है थोड़ी सी मेहनत की जाए और ये पूल बनाया जाए, तो बना रहे हैं तो देखते जाए जैसे पूरा होगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। देखें जो हमारा पाउंड है वो तकरीबन बन गया है, बस इस पे अब सिमट लग रहा है। देखें यहाँ हमने थोड़ी सजावट के लिए ये स्लैब लगाई है। देखें काफी बड़ा पाउंड है ये। देखें मेरे बाबा काम कर रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ बनाए, हमने यहाँ से पिंजरा भी उठा लिया था, फिर बाद में जब हम स्कूल गए तब मेरे बाबा ने प्लानिंग की और इस साइड पे बनाया। इस साइड पर बनाने का सिर्फ मकसद यह है क्योंकि एक तो वहाँ दिन में धूप बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरा यह है कि जब हम पाउंड का पानी निकालेंगे इसका स्विमिंग पूल का तो सारे सैंड में बिखर जाएगा, तो इसलिए हमने ये इधर बनाया है। एक तो यहाँ पे साया रहेगा क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है महीना, तो एक तो इधर साया रहता है तकरीबन यहाँ पे सारा दिन, और दूसरा यह है कि ये पाउंड का जो हमने जो पानी निकालने के लिए ये पाइप लगाया तो ये साथ ही हमारा ये देखेगा, ये इधर पानी निकल जाएगा साथ, तो इसमें ये सारा पानी इधर से डिस्चार्ज हो जाया करेगा जब हम चेंज करेंगे, तो इसलिए हमने ये चेंज किया। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा अच्छे ही बने, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। जब इसमें कलर वगैरह हम कर देंगे सारा कुछ तैयार हो जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी असर का भी टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम है, तो अभी हम लेंगे ब्रेक छोटी सी, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे जितना भी हो सका आज तो करेंगे, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो इसके ऊपर हम काम करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे के लिए व्यूअर्स, हमारा स्विमिंग पूल आखिरी मरहल में पहुंच चुका है, अब हमने इसको प्लस्तर किया है, ये हमारी दस्ती कांडी जो हमने अभी बनाई है, तो इसके साथ ये सारा प्लस्तर हो गया है, इसमें बच्चों ने भी हेल्प की है मेरी, तो अभी ये इसका प्लस्तर हो गया है। तो अभी पेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर पेंट मिल जाता है तो फिर हम इसको पेंट भी कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही ठीक होगा। अभी हम देखेंगे कौन सा पेंट लेना है, फिर हम इसका कलर करेंगे, कोई अच्छा सा कलर लेके आएंगे फिर हम इसके ऊपर कलर करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसको मुकम्मल करने के बाद, तो फिर जब इसको जब इसमें हम डस्ट पे चीज को छोड़ेंगे तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अभी जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह। तो दोस्तों फाइनली हमारा पूल बनके तैयार हो चुका है, हमने सजावट के लिए यहाँ बोटल काट के और फूल भी लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, और हमने बोतल काट के ये नारियल का पौधा बोतल की मदद से बनाया है, और हमने इसकी थोड़ी बहुत सजावट की है। इसलिए अभी हमने पानी भरना है, इस पर पानी भर के फिर हम डक्स को छोड़ेंगे, मिलते हैं तब जब पानी भर जाएगा और फिर डक्स को जब हम छोड़ेंगे। Thank you.
तो व्यूअर्स देखें जी, ये जी माशाल्लाह हमारे डक्स के चिक्स आ गए हैं अपने पाउंड में और बहुत खुश हो रहे हैं अभी, क्योंकि शाम का टाइम है तो थोड़े से इनको सुस्ती सी आ रही है, लेकिन वरना ये आपको बहुत अच्छे से करतब दिखाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा करतब दिखाते हैं पानी में, माशाल्लाह अभी छोटे छोटे हैं, बहुत शैतान हैं ये। देखिए कितना खुश हो रहे हैं। तो व्यूअर्स देख लिया आपने, हमारा पाउंड माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये पाउंड आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में पूरी हमने जो इस पे वर्क किया है वो सारी मैंने डिटेल बना दी है, अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।